धन्यवाद पूर्वेश जी, सभी को नमस्कार। दो तीन बात मुझे दिमाग में आ रही थी अभी जब हमारे कोलीग्स बता रहे थे। ये जो एक कार्यक्रम हो रहा है, प्रोग्राम जिसको बोलते हैं अपन, इसके कुछ मुख्य जो है चीज़ों पे, बिंदुओं पे जरूरी है कि अपन अच्छे से समझें कि जरूरी क्यों है। ये ऑर्गेनिक अपन बोल रहे हैं, इसमें कोई चीज़ अलग से तो अपन नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं क्या? वही खेती कर रहे हैं, है ना? जो थोड़ा बहुत बदलाव है वो बेहतरी के लिए है, और बेहतरी किसकी? किसान के लिए, क्योंकि किसान का जमीन है, किसान की खेती है, है ना? किसान की जमीन है, किसान की खेती है। अपन ने ये करके देखा हुआ है कि अगर रासायनिक फर्टिलाइजर अपन यूज़ करते हैं तो एक समय के बाद जमीन की हालत ख़राब हो जाती है। ये बात से सब सहमत है? तो हम कोई भी चीज़ ऐसी क्यों करें जिससे अपने जमीन में परेशानी आए और उसके कारण अपने लिए और परेशानी आए। और वहीं पे इस बात को आप देखो कि अगर वो ऑर्गेनिक होता है तो ज़्यादा अच्छे भाव हमको मिलते हैं। अब इन दोनों के बीच में जुड़ाव है जो सर्टिफिकेशन की बात हो रही है। सर्टिफाई कौन करेगा? देखो, ये नॉर्मल प्रोसेस है, हम अपने घरों में भी बात करते हैं, बच्चे अपने माता पिता से भी ये बात की गवाही लेते हैं किसी भी चीज़ में। मान लो कोई बच्चा पढ़ रहा है, 10वीं के बाद उसको कहीं जाना है पढ़ने और आगे, तो सबसे पहले किससे बात करता है? अपने माँ बाप से बात करता है। क्यों? क्योंकि उसका साथ चाहिए उसको, वो सर्टिफाई होता है कि मुझे ये करना है। माँ बाप भले ही समझाएं उसको, लेकिन उसको सर्टिफाई होता है कि ये इस बात से मेरे माँ बाप भी सहमत है। सर्टिफिकेशन का मतलब मूलता यही है कि इसमें सहमति है कि जो हम कर रहे हैं, मतलब जो किसान कर रहे हैं, उसमें और लोग भी जुड़े हैं और हम ये मिलके ये बता रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, जिससे हम ये इससे भी सहमत हैं कि ये प्रक्रिया से हमको गुजर करके जो भी चीज़ झेलनी पड़ेगी वो हम करेंगे, लेकिन ये अपने बेहतरी के लिए। तो इस बात और लॉन्ग टर्म में लंबे समय के लिए ये पूरी प्रक्रिया चलते रहे, इस बात की गारंटी हमारी कंपनी आपको दे रही है कि आप जुड़े रहिए, आप करते रहिए और ये लंबा चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये आज हुआ कल ख़त्म हो गया फिर नया कुछ आ गया, नहीं। जिस चीज़ में किसान की बेहतरी है वही चीज़ सभी चीज़ को आगे लेके जाने वाली है, इसलिए वो करना ज़रूरी है। ये अपन लोगों ने सीखा है इतने सालों में, करके देखा है ना, हर चीज़ करके देखा, रासायनिक विधि से भी सब कुछ करके देख लिया, फायदा तो हो नहीं रहा है। एक समय के बाद तो वो ऐसे ऊपर जाता है फिर सीधा ऐसे नीचे आता है। तो क्या अपन नीचे जाने के लिए खड़े हैं या अपन नीचे से ऊपर जाने की तरफ सोचें? तो इसीलिए जैविक कृषि की बात हो रही है, आगे बढ़ करके इसमें काम करने की ज़रूरत है। तो हम लोग धीरे धीरे करके एक एक प्रक्रिया को इसमें जोड़ेंगे आगे। इन्होंने एक बात कही CSR के बारे में, आप लोगों ने सुना है इसके बारे में? कुछ लोग जानते होंगे CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं सुना है? अच्छा, ठीक है। एक बात पूर्वेश जी ने बताया ना कि हम एज अपने कंपनी के तौर पर हम जो मुनाफा कमाते हैं उस मुनाफा को हम किसानों के साथ बांटना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी है, ये हम जिम्मेदारी अपनी फील करते हैं कि जहाँ से सब कुछ आया है वहाँ पे ये फिर वापस जाना चाहिए। क्योंकि पेड़ से अपन हर समय सब कुछ लेते हैं, पेड़ में जब तक अपन नहीं डालेंगे कुछ उसके जड़ में, पेड़ एक समय के बाद वो ढीला पड़ जाता है, दूसरे फल नहीं आते हैं। तो इसीलिए ये करना ज़रूरी है। तो ऐसा ही एक कार्यक्रम है जिसको अपन से कि हम किसानों के साथ अपने जमीन से, अपने पर्यावरण से जुड़ करके
आगे चीज़ों को बेहतर बनाएं, इस पे फोकस कर रहे हैं। तो वो कार्यक्रम भी हम आपके साथ धीरे धीरे जुड़ेंगे आगे आने वाले सालों में, पर अभी अपना मकसद यहाँ पे लिमिटेड है कि ये बात अपने को समझना जरूरी है कि जैविक विधि से क्या चीज़ अपने को फ़ायदा होने वाला है, और ये लंबी प्रक्रिया है, इसमें अपन जुड़ करके एक एक करके और लोगों को जोड़ते जाएं, ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो हम सबका फ़ायदा उसमें है। ठीक है, बाकी इस प्रक्रिया में जुड़ने पे पहला चीज़ तो बधाई के आप पात्र हैं, आप लोगों को बधाई है बहुत बहुत कि आपने आगे बढ़ करके इसमें काम करना चालू किया है, बट इसमें और लोगों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं जोड़ेंगे अपन तो फिर क्या होगा कि लोग ऐसे भी लोग समझेंगे, आज नहीं तो कल बहुत सारे किसान समझने भी लगे होंगे कि ये प्रॉब्लम तो है, अपन ने क्रिएट कर दी, अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, समस्या कर, अब इसका निदान तो अपने को निकालना पड़ेगा, रास्ता निकालना पड़ेगा। रास्ता तो वही है, नैसर्गिक जैविक, इसी तरीके से चलना है। मतलब अगर आपके गांव में अगर मैं देख रहा हूँ इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो ये पेड़ लगाने की ज़रूरत नहीं हुई है, ये नैसर्गिक है, अपने आप से आ गया है, और ये पूरी प्रक्रिया चलती है जिसके तहत नैसर्गिक तरीके से अगर जाएंगे तो सब चीज़ अपने आप धीरे धीरे बैलेंस होती जाती है। वही तरीका अपने को यहाँ भी करना है आगे, वो अपन करेंगे। तो धीरे धीरे करके एक एक चीज़ इसमें पहलुओं को जोड़ करके हम आगे बढ़ेंगे, और आपका साथ हम मतलब साथ साथ विकास करेंगे अपन, सब कुछ बढ़ेगी तो अपने हमारे में भी विकास आएगा, आपके में भी विकास आएगा, और यही प्रक्रिया है अपने को जुड़ने की। ठीक है, धन्यवाद।